Prashant ji, I'm waiting for you. Sir, another 15 seconds, sir. Start live only when we start, not before that. So we can go live, sir. नमस्कार दोस्तों, इस विशेष पत्रकार वार में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी आपके समक्ष अपनी बात रखेंगी। आज कुमारी शैलजा जी और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। शैलजा जी के बाद मैं अपनी बात उसमें जोड़ूंगा और उसके बाद हम आपके प्रश्नों का प्रश्नों का जवाब देंगे। कुमारी शैलजा जी, बहन जी, यू कैन स्टार्ट प्लीज। I cannot hear. We can hear you. You can start now. Okay. Thank you, Randeep ji. साथियों, आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे हरियाणा के वरिष्ठ नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, जिनका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस अनुभव है और वो अपने नॉलेज से हमें अवगत कराएंगे वर्तमान स्थिति पर। मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि साथियों, जहां एक ओर COVID-19 महामारी से हमारा देश और प्रदेश त्रस्त है, वहीं पर कल हरियाणा सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसने इस महामारी पर एक और बहुत बड़ी महामार मारी। आप जानते हैं कि कल के ऐसे फैसले हुए जिससे पेट्रोल डीजल में कि वैट में बढ़ोतरी की गई है, बस के किरायों में बढ़ोतरी की गई है और फल और सब्जी के जो मार्केट फीस होती है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। साथियों, ऐसी स्थिति में जहां किसान वैसे ही इतना त्रस्त है, दुखी है, आज उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। हमारे यहाँ गरीब वर्ग आज दर दर भटक रहा है खाने के लिए, राशन पानी के लिए। व्यापारी बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उद्योग ठप पड़े हैं, युवा को आगे आने वाले समय में ना सरकारी नौकरी में कोई आशा की किरण नजर आ रही है ना निजी क्षेत्र में। इसी तरह से कर्मचारियों पर उनका डीए खत्म करके, उनके सैलरी में कटौती करके आपने बहुत बड़ी मार दी है हरियाणा सरकार ने। आज के दिन लोगों की जेबें खाली, तो साथियों ऐसे समय में बजाय इसके कि लोगों को राहत दें केंद्र सरकार से, क्यों नहीं हरियाणा सरकार अपने जीएसटी का हिस्सा मांगती? क्यों नहीं हरियाणा सरकार भारत सरकार से, जो कि एक ही पार्टी शासन में है, और पैसे मांगती ताकि हरियाणा के लोगों को कुछ राहत मिले? ऐसे समय में आपने ये जो बढ़ोतरी की है, इससे हरियाणा को एक और क्राइसिस में धकेल दिया है। साथियों, डीजल और पेट्रोल की कीमत आपने इस कदर बढ़ा दी है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमत 8-9 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन आपने 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है और डीजल की कीमत 1 रुपया 10 पैसे बढ़ा दी है, जो कि वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 70 रुपया 19 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 61 रुपया 97 पैसे प्रति लीटर है। कम करने की बजाय आपने उसको और बढ़ा दिया है। अब इससे आप जानते ही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो उसका इफेक्ट हर चीज पर पड़ता है, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो हरियाणा ने लोगों की परवाह ना करते हुए ये कीमत बढ़ा दी है। साथ में
बस के किराए आपने बढ़ा दिए 15 पैसा प्रति किलोमीटर 100 किलोमीटर तक। आपने पिछली बार भी 2016 में भी ये कीमत बढ़ाई थी। इतने सालों में जब से जो ये आपने एक संकल्प पत्र जारी किया था सत्ता में आने के लिए, लेकिन आप क्या संकल्प दिखा रहे हैं जनता की ओर? आपने पिछले अपने शासनकाल में बस किरायों की कीमत 33% बढ़ा दी है। 33%, ये कोई छोटी बात नहीं। तो आपने लोगों को राहत की है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि वॉल्वो में कितनी और 100 किलोमीटर के बाद कितनी, क्योंकि हमारे पत्रकार साथी अच्छी तरह से जानते हैं कल सरकार ने ये कीमत निकाल दी है। साथ में साथियों, जो फल और सब्जी मंडी में आती है, आपने मार्केट फीस जो कि 2014 में कांग्रेस के कार्यकाल में माफ कर दी गई थी, उसको आपने 2% फिर से कर दिया है। उसमें 1% मार्केट फीस और 1% सेस लगा दिया है HRDF के लिए। आज एक और जहां महंगाई इतनी हो रही है, लोगों को कुछ चीजें मुहैया नहीं हो रही, आप इस तरह से कीमत बढ़ाकर हरियाणा के लोगों को क्या तोहफा देना चाहते हैं? पिछले छह साल में आपको हैरानी होगी कि हरियाणा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट से 42,000 रुपया कमाया है और अभी भी हर साल 92,955 करोड़ रुपया आप कमा रहे हैं। पानीपत रिफाइनरी से आप GST से 650 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। प्रतिवर्ष की बात मैं कह रही हूं। तो साथियों, आप मुझे बता दीजिए कि जब ये बस का किराया बढ़ाया है, इससे आप 171 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अब कमाएंगे एक्स्ट्रा। पेट्रोल डीजल से जो आप कीमत बढ़ा रहे हैं, ये हमने आंकड़े, हमारे साथी रणदीप जी ने आंकड़े निकाले हैं, आप जानते हैं इनकी मास्टरी है इन चीजों में। 732 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल हाइक से हरियाणा सरकार कमाएगी, तो कुल मिलाकर 1382 करोड़ रुपया आप एक्स्ट्रा कमा लेंगे। अब एक तरफ आप कमाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जब जनता की जेबें ही खाली हैं और आप और उनकी जेबों पर डाका मारने जा रहे हैं, तो साथियों हम भी चुप नहीं रह सकते, हमको आवाज उठानी होगी। हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं, पहले दिन से तैयार रहे कि सरकार जो ये लड़ाई लड़ रही है COVID-19 महामारी के खिलाफ, उसमें हमारा पूरा पूरा सहयोग रहा है और रहेगा। लेकिन अगर हरियाणा के लोगों पर इसी तरह से अत्याचार बढ़ता रहेगा तो साथियों हम तो लोगों के साथ खड़े हैं और हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और लोगों का संघर्ष हमारा संघर्ष है। हम मुख्य विपक्षी दल हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है, लोगों की आवाज उठाई है। लोगों का संघर्ष हमारा संघर्ष है और हम इस संघर्ष में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ है और साथ रहेगी। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अब अपने साथी रणदीप सिंह जी को माइक देना चाहूंगी कि वो आगे लें और बातें आपसे साझा करें। धन्यवाद। बाद में सवाल पूछना चाहे तो पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा जी। कुमारी शैलजा जी ने, जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हैं, पूरी बात आपको तफसील से बताई। आदरणीय मित्रों, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आज हम दोनों केवल खट्टर साहब को एक नसीहत देने के लिए आए हैं। खट्टर साहब, ये समय वसूली और लूट का नहीं, ये समय हरियाणा की जनता को छूट का है, यानी छूट देने का है। कल रात के अंधेरे में खट्टर सरकार की कैबिनेट ने आनन फानन के अंदर
कैबिनेट की बैठक बुलाकर पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर जनता पर बोझ लाद दिया, बस के किराए का बोझ लाद दिया, और यही नहीं, जो फल और सब्जी जो आम जरूरियात की वस्तु हैं, हमारे फल और सब्जी विक्रेताओं पर भी और पूरे हरियाणा के गरीब सामान्य वर्गों के उपभोक्ताओं पर भी उनकी कमर तोड़ 2% टैक्स लगा दिया। खट्टर साहब, पूरी दुनिया की सरकारें आज अपने लोगों की जेब में पैसा डाल रही हैं, राहत दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ आर्थिक संकट की मार। पर यह कैसी सरकार जो राहत देने की बजाय जल्ले पर नमक छिड़क रही है। और जो कुमारी शैलजा जी ने कहा, मैं उसके थोड़े से डिविजन्स आपको दूंगा। क्या हरियाणा की जनता और पत्रकार साथी जानते हैं कि खट्टर सरकार ने 6 वर्षों में हरियाणा की जनता से 42,000 करोड़ रुपया की टैक्स वसूली पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर की है। 2.5 करोड़ हरियाणवियों की जेब से खट्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 42,000 करोड़ रुपया वसूला है। और ये प्रेस विज्ञप्ति जो शैलजा जी और मैं जारी कर रहे हैं, उसमें हमने ईयर वाइज डेटा और उसके साथ साथ इसका सबूत एक अनेक्षर के तौर पर लगाकर आपको भेज रहे हैं। और उससे ये साफ है कि किस प्रकार से साल दर साल वैट की ये वसूली की जा रही है। मैं आपके स्क्रीन पर भी ये दिखाना चाहूंगा 1 सेकंड के लिए। ये इस प्रकार से साल दर साल वसूली की जा रही है और इसके साक्ष्य और तथ्य हम आपको भेज रहे हैं। जैसा शैलजा जी ने कहा कि केवल पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर वसूली नहीं, पानीपत रिफाइनरी से भी, क्योंकि पिछले 3 साल के ही आंकड़े उपलब्ध हैं, आए साल लगभग 650 करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से रिकवर किया जाता है। हम ये भारत सरकार का कागज आपको भेज रहे हैं। और पिछले 3 सालों में 42,000 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर 1,668 करोड़ रुपया रिफाइनरी के जीएसटी से, यानी लगभग 44,000 करोड़ रुपए की राशि अकेले पेट्रोल डीजल से यह सरकार वसूल चुकी है। यहां यह भी याद दिलाना और रखना आवश्यक है कि जब 2014 में कांग्रेस पार्टी ने सरकार छोड़ी, हमने 10 साल में 1 पैसा पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं बढ़ाया। पेट्रोल पर टैक्स तब था 21% वैट जो है। आज हरियाणा में वैट पेट्रोल के ऊपर 26.25 या 26% है। ये 5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर हरियाणा के गरीब किसान से ट्रक, ऑटो रिक्शा और 4-व्हीलर चलाने वाले व्यक्ति की जेब से और आम जनमानस की जरूरियात की वस्तुएं जो महंगी होती हैं उससे पैसा निकाला जा रहा है। और किसान के साथ तो और बढ़कर जाति की खट्टर साहब ने। जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो डीजल के ऊपर वैट था हरियाणा में 9.24%, और आज डीजल पर टैक्स वैट बढ़ाकर दुगना कर दिया है। अब ये हो गया है 17.22%। खट्टर साहब, क्या आप उस किसान की, गरीब मजदूर की, उस रविदास या वाल्मीकि की पीड़ा को समझते हैं जो पेट और पीठ एक करके सोना पैदा करता है और फिर मंडी में धक्के खाता है, जैसा शैलजा जी ने कहा, और आप उसके डीजल पर भी टैक्स 9.24% से बढ़ाकर 17.22% कर रहे हैं? ये अपने आप में शर्मनाक है। जैसा कुमारी शैलजा जी ने कहा, 732 करोड़ सालाना वैट जो बढ़ाया है, 1 रुपया पेट्रोल और 1.10 रुपया डीजल पर, उससे अतिरिक्त रिकवरी होगी 650 करोड़ रुपया। रिकवरी जीएसटी की रिफाइनरी के तेल से होगी। यानी ये सरकार लगभग 732 प्लस 650 करोड़ रुपया तो अभी कमाएगी। और सालाना रिकवरी अगर अब वैट की लगाएं पेट्रोल और डीजल की, जो आंकड़ा
शैलजा जी ने दिया, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हरियाणा के लोग हर साल अब 9,255 करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की जेब में डालेंगे। खट्टर साहब ये जजिया कर क्यों? और सबसे चौंकाने वाली बात ये देखिए, शैलजा जी ने वो आपको आंकड़ा दिया, पर मैं भारत सरकार का कागज आपको दे रहा हूं, मैं और वो मिलकर। ये भारत सरकार का 20 अप्रैल 2020 का कागज है। इसके मुताबिक 29 अप्रैल 2020 का कागज है, माफ कीजिए, 29 अप्रैल 2020 को भारत सरकार जो कच्चा तेल खरीद रही है, ये उनका कागज है। उसकी कीमत है अमेरिकी डॉलर 17.23, उन्होंने इसे रुपयों में भी कन्वर्ट किया है, 1304 रुपया 39 पैसा। दोस्तों हम जानते हैं कि एक बैरल में 59 लीटर होता है, अगर इस 1304 रुपया 39 पैसे को आप 159 लीटर से भाग दें तो जैसा शैलजा जी ने कहा था कीमत बनती है 8 रुपया 20 पैसे लीटर। 8 रुपया 20 पैसे लीटर का डीजल और पेट्रोल खट्टर साहब, आप हरियाणा में पेट्रोल 70 रुपया 21 पैसे बेच रहे हैं, जिसकी लागत आपको 8 रुपया 20 पैसे पड़ रही है। जिस डीजल की लागत आपको 8 रुपया 20 पैसे पड़ रही है, आप उसको किसान को 62 रुपया 7 पैसे प्रति लीटर पर हरियाणा में बेच रहे हैं। इतनी ज्यादा जाति, इतनी ज्यादा निर्दयता, और उसके बाद फिर आप 1 रुपया और 1 रुपया 10 पैसे लीटर बढ़ा रहे हैं। और यही नहीं, शैलजा जी ने जो 170 करोड़ बस भाड़े की रिकवरी की फिगर दी, वो हम कहां से लेकर आए शैलजा जी और मैं? कल सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया कि हरियाणा में रोडवेज की बसें 10,38,000 किलोमीटर प्रतिदिन चलती हैं। सरकार की यह बात सच मान लीजिए, अगर 30 सवारी भी सफर करें तो कुल पैसेंजर किलोमीटर प्रतिदिन बन गए 311,40,000 के करीब। इसे अगर आप पूरे साल यानी 365 दिन से जर्ब दे दें, गुणा करें, तो ये फिगर बन जाती है 113,661,000 पैसेंजर किलोमीटर। इस पर अगर आप 15 पैसे कैलकुलेट करें तो ये फिगर 170 करोड़ 49 लाख रुपया बनती है। दोस्तों बस में सफर कौन करता है? खट्टर साहब तो हेलीकॉप्टर में चलते हैं और 50 करोड़ के जहाज में। उनके मंत्री और उप मुख्यमंत्री तो 20-20 गाड़ियों के लावा लश्कर में चलते, पर आम जनमानस समेत पत्रकार साथियों के, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता, वो बसों में चलती। आपने एक तरफ उन पर 1382 करोड़ रुपए का बोझ पेट्रोल डीजल से लाद दिया सालाना, कुल रिकवरी 9,255 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल से, दूसरी तरफ 171 करोड़ रुपया बस के भाड़े में बढ़ा दिया, और केवल एक ही चीज बची थी, कोई गरीब गृहिणी हमारी बहनें अपना परिवार का पेट पाल लेती थी फल और सब्जी से। खट्टर साहब आप तो इतने निर्दयी निकले, इतने निरंकुश निकले, इतने अहंकारी निकले कि आपने तो वहां भी जजिया कर लगा दिया, 2% कर फल और सब्जी पर भी लगा दिया। हम ये कह रहे हैं कुमारी शैलजा जी और मैं और कांग्रेस पार्टी के सब साथी, खट्टर साहब ये वसूली और लूट का समय नहीं, हरियाणा की जनता को छूट देने का समय था। पूरा हरियाणा कल मंत्रिमंडल की बैठक की और देख रहा था कि क्या राहत मिलेगी। ये क्या मालूम मैम, शायद डिस्कनेक्ट हो गया सर जी बीच में, शायद थोड़ा आप कंटिन्यू मैम कर सकते जी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया है, तो रणदीप जी अभी साथ में वापस आ जाएंगे।
जैसा कि हम दोनों अपने साथियों के सामने बातें रख रहे हैं, आज के दिन सबसे बड़ी मार हमारे गरीबों पर, किसानों पर, आम जनता पर, मिडिल क्लास पर, और सबसे ज्यादा अगर किसी पर मार पड़ रही है तो वो हमारी गृहिणियों पर, बहनों पर पड़ रही है। दिक्कत उसको है, घर कैसे चलाए। आज के दिन घर के अंदर सारी जिम्मेवारी, जब पुरुष भी घर पर बैठे हैं, कामकाज कुछ है नहीं, तो घर की सारी जिम्मेवारी हमारी बहनों पर आ जाती है। ऐसी विकट स्थिति में जब सब केंद्र में मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे राज्य को क्या दिया, इसके बारे में आज सोचने की बात है। रणदीप जी, रणदीप जी जी, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं और मुझे लगता है कि सवाल का पुख्ता जवाब संजय दे चुकी हैं। अगला प्रश्न पूछिए। अभी शुरू कर रहे हैं, अगला सवाल पूछवाएंगे। दिमान जी, दिमान साहब प्लीज पूछिए। भाई साहब, जो आपने डाटा दिया है कि 42,000 करोड़ एक्स्ट्रा कमाया है, ये आपके 21% जो आपका बैट था पेट्रोल पे कांग्रेस के टाइम में, उससे जो ज्यादा लगाया, उसकी बात कर रहे हैं ना आप? अगर आप अपना प्रेस रिलीज जो शैलजा जी ने और मैंने इशू किया है उसके अनेक्शर्स अभी भूपेंद्र जी आपको भेज देंगे, अगर आप उसका अवलोकन करेंगे तो ये डेटा ना शैलजा जी लेकर आई ना रणदीप लेकर आया, ये हरियाणा की सरकार की जो वैट कलेक्शन का डेटा है वो हमने आपको दिया है। और उससे ये साफ है कि 42,000 करोड़ रुपया प्लस जो रिफाइनरी का टैक्स है वो 1668 करोड़ रुपया, यानी 44,000 करोड़ रुपया खट्टर साहब केवल पेट्रोल और डीजल से कमा चुके। क्या मैं पूछ सकता हूं, शैलजा जी और मैं ये सवाल पूछ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का साधारण कार्यकर्ता और 2.5 करोड़ हरियाणवी ये पूछ सकते हैं, खट्टर साहब ये पैसा कहां गया, किसकी जेब में गया? क्योंकि जमीनी हकीकत में तो एक पैसा खर्च किया नजर नहीं आता। धन्यवाद। हाँ, मेरा सवाल शैलजा जी से था। मनोज जी है सर, दैनिक भास्कर से। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। अभी कल जो एक सर्वदलीय बैठक थी उसमें हुड्डा साहब ने ये कहा था कि सरकार चाहे तो कर्ज ले सकती है, तो क्या कर्ज इसके आप समर्थन में हैं? देखिए, ये तो उन्होंने कहा है कि सरकार अनेक तरह के तरीके अपना सकती है, लोगों पर बोझ डालने का क्या मतलब है? आज के दिन लोगों पर बोझ डालना तो कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार से क्यों नहीं एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि अपने जीएसटी का हिस्सा लें, केंद्र सरकार से और ज्यादा मदद लें, तो ये तो उनका हमारा हक बनता है ना हरियाणा का, वो क्यों नहीं वो पहले देखते हैं, ऐसी बातों को एक्सप्लोर करें बजाय इसके कि लोगों की जेब में डाका डालें। राम सिंह बराड़ सीनियर पत्रकार सर। नमस्कार जी, मैं रणदीप जी और शैलजा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये है कि कल एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई थी चीफ मिनिस्टर ने, उसमें कांग्रेस की तरफ से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, विधायक दल के नेता है, और क्या उन्होंने वो जो बाद में प्रेस नोट जारी हुआ उसने कहा सीएम की तरफ से कि जो विपक्ष वाले थे, चाहे कांग्रेस थी चाहे इनेलो थी, वो हमारे सारी बातों से सहमत थे और उनका हम आभार जताते हैं, तो क्या ऐसा कोई इशू उनके सामने उठा था, कोई बात हुई है आपकी? दूसरा क्या है कि कांग्रेस जो है अब लोगों के लिए और लॉकडाउन को लेकर क्या क्या राहत चाहती है और क्या सरकार से उनकी डिमांड है, मुख्य डिमांड क्या है कांग्रेस की मुख्य विपक्षी दल के नाते? पहले सवाल का जवाब मैं दूंगा और दूसरे सवाल शैलजा जी लेंगी। आदरणीय बराड़ साहब, शायद खट्टर साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी विज्ञप्ति जारी करके कह दें कि कुमारी शैलजा जी ने और रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी ने टैक्स बढ़ोतरी का समर्थन किया है। मुझे लगता है कि कागजों को काले करने की बजाय, खट्टर साहब, अगर आप विपक्ष और विपक्ष के साथ साथ हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की पीड़ा को सुनते, समझते, आत्मसात करते, तो इस प्रकार की बातें लिखकर
झूठ मूठ में अपनी पीठ थपथपाने की नौबत आती ही नहीं। आप मुझे बताइए, आप विपक्ष की बैठक बुलाते हैं, उन्हें ये नहीं बताते कि आप रातों रात शाम को विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद हरियाणा की जनता के साथ लूट और वसूली का खुला खेल करने वाले हैं। क्या ये अपने आप में राजनीतिक बेईमानी का सबूत नहीं? क्या खट्टर साहब अगर ये सब बातों में बढ़ोतरी करने वाले थे तो बतौर एक जिम्मेवार मुख्यमंत्री के उनका दायित्व नहीं बनता था कि वो विपक्ष की बैठक में बाकायदा ये बात रखते कि मैं 42,000 करोड़ रुपया कमा चुकी है भाजपा जजपा सरकार और अब हम 1,382 करोड़ की वृद्धि पेट्रोल और डीजल में वैट और जीएसटी से करने वाले हैं। इसके साथ साथ वो ये भी बताते कि 171 करोड़ रुपया वो बस का भाड़ा बढ़ाने वाले हैं। ये भी बताते कि वो 2% किस प्रकार से मार्केट फी और एचआरडीएफ लगाने वाले हैं, फिर लिखते वो प्रेस विज्ञप्ति। पर मैं ये मानता हूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इन सारी बातों को चोरी छिपा अलग से रखकर और फिर रात के अंधेरे में कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर और हरियाणा के लोगों की कमर तोड़ जजिया कर लगाकर खट्टर साहब ने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय नहीं दिया। ये सरेआम हरियाणा की जनता की कमर तोड़ने वाला काम है। कांग्रेस पार्टी की क्या मांग है, इसके लिए मैं शैलजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखेगी। साथियों, राम सिंह जी, आपने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी ने जब नोटबंदी की वो भी रात के अंधेरे में की, जब जीएसटी लगाया वो भी रात को 12 बजे, जैसे तो पता नहीं कि कौन सी आजादी वो देने वाले हैं, रात के 12 बजे किया शुरू। और अब हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसी राह पर चलते हुए रात के अंधेरे में ऐसे फैसले ले रहे हैं। और ये ऐसे फैसले रात के अंधेरे में इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं डर है और इन्हें पूरी तरह से मालूम है कि जो ये फैसला ले रहे हैं ये गलत फैसला है। और आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल करने जा रही हूँ कि जो लोग डाका डालते हैं या चोरी करते हैं वो रात के अंधेरे में ही ज्यादा करते हैं। तो ये लोगों के साथ जो चोरी और डाका हो रहा है ये रात के अंधेरे में ही किया जा रहा है। लोगों को किसी इसका हिंट तक नहीं दिया, विपक्ष को हिंट तक नहीं दिया कि आगे कैसा होगा, वो तो एक बात। दूसरी बात, हमारी मांग, हमने पहले भी कहा और इनको रोल बैक करना पड़ा, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, इन्होंने एकदम कह दिया कि बेरोजगारी, हम रोजगार नहीं देंगे एक साल। तो जब प्रेशर पड़ा, हमने पूरा प्रेशर डाला तो इनको वो वापस लेना पड़ा। हम चाहेंगे कि इसमें कोई फॉल्स प्रेस्टीज की बात नहीं होती, सरकार चलाना है। और जैसा मैंने कहा कि हम तो इनके साथ हैं इस लड़ाई में, जो COVID-19 के खिलाफ लड़ाई है उसमें हम साथ हैं, लेकिन हम डाके में साथ नहीं हो सकते। तो माननीय ब्राड जी, हमारी मांग है कि आप इन सब फैसलों को आप वापस लें, आप और ढंग से एक्सप्लोर करें, भारत सरकार से आप पैसा लें और हरियाणा के लोगों को, गृहिणियों को, गरीबों को, किसान को, हमारे यहाँ के उद्योग को, कर्मियों को, उनको आप राहत दें, क्योंकि आज के दिन राहत देने की जरूरत है, ना कि लोगों से। आपने तो किसान से भी पैसा, वो दाने लिए हैं, जब वो दाना बेचने आता है तो 1 से 5 किलो आपने तो अन्नदाता से भी दान लिया है, एक और दान ले रहे हैं। लोगों को राहत पहुंचाना क्या है राज साहब? राहत कुछ नहीं, राशन लोगों को आज तक नहीं मिल रहा, लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। और प्रशासन वहां पर संस्थाओं को कहता है कि संस्थाएं आप इंतजाम कीजिए गरीबों के लिए। और अब एक और बात है साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी इस मौके का, आप लोगों के साथ कुछ बात साझा करना चाहूंगी जो हमारे तक बात आई है कि अब ये डिस्ट्रिक्ट्स में जगह जगह कमेटियां बना रहे हैं। जब हमारी मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसमें मैं मौजूद थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि आप नाम भेज दीजिए हर डिस्ट्रिक्ट का, ताकि हम उनको रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी में साथ में जोड़ लेंगे और डिस्ट्रिक्ट
डिप्टी कमिश्नर डीसी उनके साथ बातचीत करेंगे राहत में, ताकि तालमेल बने। आज तक ना मुझे, हमने दो दिन बाद वो लिस्ट भेज दी थी हर डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने आज तक ना तो हमें बताया है उसका क्या हुआ, ना उन्हें साथ जोड़ा, एक भी साथी को कभी भी डीसी ने किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। अब जो हमें मालूम पड़ा है कि ये कमेटियां बना रहे हैं केवल केवल अपने भारतीय जनता पार्टी के वर्करों की कमेटियां बना रहे हैं ये राहत के लिए, ताकि ये सिर्फ अपने वर्करों को आगे करके, दो तीन बार इन्होंने दोबारा से अभी इन्हीं दिनों में, बजाय इसके कि गरीबों को राहत पहुंचाते, दो तीन बार उनको बरगला बरगला कर उनकी लिस्टें की हम दोबारा सर्वे कर रहे हैं, दोबारा सर्वे कर रहे हैं, जो रह गए हैं जो रह गए हैं, लोगों को बरगलाए रखा, और अब कह रहे हैं कि हम जो राहत देंगे अपने उन लोगों को, कहने को कह रहे हैं कि हम पब्लिक से उठा रहे हैं, लेकिन सारे इनके वर्कर हैं, आम लोगों को ये नहीं जोड़ रहे, समाज सेवियों को नहीं जोड़ रहे, अपने वर्करों को आगे करके ये एक इस तरह की राजनीति ऐसे वक्त में करना कोई अच्छी बात नहीं है, जब सारी पार्टियां और सारी संस्थाएं साथ खड़ी हैं, अग्रणी हैं इस लड़ाई में, तो ये ऐसी हरकतें ये सरकार करती। मैम सम ऑफ द पीपल, हेलो, यस मनवीर जी, गो अहेड प्लीज। हाँ सर, अभी जैसे मेरे को पता लगा है हमारे ही सेक्टर में ये कमेटी के कुछ मेंबर्स आए हैं, इन्होंने कुछ फॉर्म दिए हैं जिसमें दे आर सीकिंग ऑल काइंड ऑफ डिटेल्स एंड द क्वेश्चंस इंक्लूड आस्किंग अवर पैन नंबर, सॉरी, आस्किंग अवर आधार कार्ड नंबर, अवर सोर्स ऑफ इनकम, अवर टोटल इनकम एंड वेदर वी वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू कोविड फंड और नॉट। हाउ डू यू सी एवरीथिंग? The way illegal fleecing is going on by governments and its accomplices, as also the workers of the Bharatiya Janata Party. Who has authorized? People of Bharatiya Janata Party, has the government authorized them? Are they representatives of the government? Obviously not. Are they government employees? Obviously not. Then how can they go and seek private personal information, as also seek money in the name of COVID? We can understand there is a mechanism and system, Prime Minister National Relief Fund, Chief Minister Relief Fund, and both Prime Minister and Chief Minister have created two opaque funds. One is called PM CARES, another is called CM Corona Fund, in which forcible compulsory donations have been taken from all government employees without their consent. I am told in Haryana alone this amount is about 200 crores. How can a third person during lockdown or workers of BJP be permitted to go house to house, collect money and seek personal details? That itself is reflective of the mindset of fleecing and forcing people by taking advantage of COVID-19. We request and urge upon the Chief Minister, Shri Manohar Lal Khattar, to take note, as also roll back, as Shailja ji has said, the triple whammy, it's not a double whammy, the triple attack on people of Haryana by way of increase in VAT on petrol and diesel, by way of increase in bus fares for the common man, by way of 2% tax and cess and market fee on the fruits and vegetables. All these three measures will ultimately hit the common people of Haryana and will end up at this juncture when people are fighting COVID-19 on one hand and the economic pandemic on the other hand, will leave them poorer instead of putting money into their hands and pockets. So I think Khattar government is doing a great disservice by its entire people measures which need to be rolled back. Thank you. Next question, please. Sir, Surjewala ji, जिस तरह आपने कहा कि जो ये समय है छूट देने का, जिस तरह से ये कर लगाया जा रहा है, और बात सही भी है, जिस तरह की महामारी है, सब अपने घरों में है और कमाई का जरिया बंद हो गया है, ऐसे स्थिति में एक तरफ तो सरकार को वेतन भी देना है और जो टैक्स के सोर्सेज हैं वो आ नहीं रहे हैं,
तो आपका क्या सुझाव है कि कैसे सरकार जो है कर न लगा के खासतौर से खाने पीने की वस्तुओं पर, जिस तरह मंडी में जो अब ये लगाया गया 2% का कर लगाया गया, तो इससे क्या सुझाव देना चाहेंगे? मुख्य विपक्षी दल हैं, आप सुझाव देना चाहिए आपको कि कैसे सरकार चले और जिस तरह से ये छूट देने का समय है, लूटने का समय नहीं है जनता का जैसा आपने कहा, तो इससे भी जनता को राहत मिले और जो भी आज के समय में कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको सरकार को भी जो है बोझ जो है उनका कम हो। जी सर, मेरा आपसे एक अनुरोध है, आपने बड़ा सार्थक सवाल पूछा, आपको साधुवाद। सरकार ने हाल में ही बजट पेश किया है, ये ईयर एंड नहीं है। जब बजट आप पेश करते हैं तो सरकार का रेवेन्यू और खर्चा दोनों का लेखा जोखा उसके अंदर आता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार का पैसा महीने पहले महीने के अंदर ही खत्म हो गया। सरकार के पास पैसा है, साधन है। जब पैसा और साधन आपके पास हैं, जब बगैर वैट वसूली के बढ़ोतरी के, बगैर मार्केट फीस बढ़ोतरी के, बगैर बस भाड़ा बढ़ोतरी के आपने अपनी पीठ थपथपाकर एक टैक्स फ्री बजट पेश किया और कहा कि हमारे पास सफिशिएंट रेवेन्यू है, आई एम कोटिंग द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो क्योंकि खुद वित्त मंत्री भी हैं, कि हरियाणा का खजाना लबालब भरा है। तो वो जो लबालब भरा खजाना था वो 30 दिन के अंदर खत्म कैसे हो गया? और अगर खत्म नहीं हुआ तो जो सरकार का अपना रेवेन्यू साल की शुरुआत में उनके पास है वो उसका इस्तेमाल ना कर हरियाणा की जनता पर जजिया कर क्यों लगा रहे हैं? खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी वही कर रहे हैं जो एक जमाने में दिल्ली के हुक्मरान किया करते थे, आजादी से पहले जनता पर जजिया कर की वसूली करते थे जनता से। खट्टर साहब भी 2.5 करोड़ हरियाणवियों पर जजिया कर लगा रहे हैं। हमारी ये मांग है कि आप अपने रेवेन्यू सोर्सेज का इस्तेमाल करिए। दिल्ली में आपकी केंद्र में सरकार है, जैसा शैलजा जी ने कहा, वहां से जीएसटी का अपना हिस्सा लीजिए। और मोदी सरकार चुप क्यों बैठी है? वो प्रांतों में ये जो लड़ाई लड़नी है कोरोना के खिलाफ, प्रांतों को वो मदद दे जहां जहां इंफेक्शन है, और ज्यादा मदद दे। सर, क्या केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने से पीछे हट सकती है? नहीं। तो खट्टर साहब और मोदी जी तो व्यक्तिगत तौर से मित्र भी हैं, तो हमारा ये अनुरोध है खट्टर साहब से विनम्र कि आप हरियाणा के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि लेकर आइए और हरियाणा की जनता से वसूली और लूट बंद करिए और हरियाणा की जनता को छूट दीजिए। धन्यवाद। अगला सवाल अविनाश पांडे जी से, पंजाब के जी से। शैलजा मैडम से मेरा सवाल है कि अगर सरकार ने लॉकडाउन तक जो है ये अपना आदेश वापस नहीं लिया तो लॉकडाउन के बाद कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा इस पर? क्या ये सड़कों पर कांग्रेस आएगी? पांडे जी, जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी हर तरह से लोगों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। जिस तरह से हम कोरोना लड़ाई लड़ने में सरकार के साथ खड़े रहे, पूरा सहयोग दिया, उसी तरह से जो सरकार के गलत निर्णय हैं हम उसी तरह से पुरजोर अपनी पूरी ताकत से लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, पूरी तरह से हम पूर्ण संघर्ष करेंगे। पवन जी हैं सर जनता न्यूज़ से। पवन जी, गो अहेड पवन जी। पूछिए पवन जी, प्रश्न पूछिए। अनम्यूट कीजिए पवन जी को। हेलो, शैलजा जी और रणदीप जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सर सवाल है कि हरियाणा सरकार ने बहुत बहुत जल्दबाजी में एक कैबिनेट बुलाई हुई लग रही है और उसके ऊपर तमाम टैक्सेस लगा दिए। अगर रेवेन्यू लॉस की भी बात करें तो एक अनुमानित जो आंकड़ा सरकार की तरफ से बार बार दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का करीब करीब जो है वो रेवेन्यू लॉस सरकार को इस लॉकडाउन पीरियड में हुआ है। लेकिन सर, जिस तरीके से सब्जी मंडी में मार्केट फीस 2% जो फल और सब्जी मंडी में मार्केट फीस के तौर पर लगा दी और पेट्रोल डीजल पे वैट जो है वो बढ़ा दिया, रोडवेज का किराया बढ़ा दिया, आने वाले दिनों में कुछ और भी संकेत मिल रहे हैं कि कुछ और कोरोना सेस जो है वो अन्य वस्तुओं पर लगने जा रहे हैं, तो क्या सरकार बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ये तमाम फैसले ले रही है? अगर 10,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस अगर माना जाता है, अगर अनुमानित,
तो क्या इतने ज्यादा टैक्सेस लगा देना उचित है इस समय में लोगों के ऊपर जब सब काम धंधे बंद है? पवन भाई, इसका जवाब तफसील से कुमारी शैलजा जी देंगी, परंतु मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ। आदरणीय खट्टर साहब, आप वित्त मंत्री भी हैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, ये 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा आप कहाँ से लाए? क्या हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे? दूसरी बात, आपने एक महीना पहले हरियाणा का बजट पेश किया और आपने बड़े बड़े दावे कर ये सदन के पटल और बाहर ये कहा कि 1 रुपया टैक्स में नहीं लगाऊंगा, ये मेरा मेडन बजट वित्त मंत्री के तौर पर है और हरियाणा में सफिशिएंट रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं। 30 दिन के अंदर हरियाणा की उन रेवेन्यू रिसोर्सेज को कौन सा चोर लेकर उड़ गया? तीसरी बात, आप केंद्र से जीएसटी शेयर लेने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? आप डरते क्यों हैं खट्टर साहब मोदी जी से? क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर से नहीं उनसे बात कर रहे, आप 2.5 करोड़ हरियाणवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सब आपके साथ हैं। खट्टर साहब डरिए मत, हरियाणा की बात पुरजोर तरीके से रखिए और मोदी जी से अपना हिस्सा लीजिए। चौथी बात, मोदी सरकार, यहां तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, फिर भी हरियाणा सरकार की इस मुश्किल की घड़ी में मदद क्यों नहीं कर रही? अब मैं अनुरोध करूंगा शैलजा जी से कि वो तफसील से जवाब देंगे। नहीं, आपने तकरीबन जवाब दे दिया है रणदीप जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सरकार ट्रांसपेरेंट ढंग से काम क्यों नहीं कर रही? पारदर्शिता लाएंगे तो सबको मालूम पड़ेगा। किसी दिन आप कोई फिगर दे देते हैं, किसी दिन कोई फिगर दे देते हैं, ये इस तरह से जो ये अंधेरे में अंधकार में काम करने का तरीका है, ये किसी लोकतंत्र में मायने नहीं रखता और ना होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में इनका विश्वास है नहीं। आप बताइए, हर बार आप नए आंकड़े दे देते हैं, और मुझे ये बताइए कि आप पैसा वसूलेंगे किससे? पवन जी, मैं एक मिनट, हाँ जी, आप पैसा वसूलेंगे किससे? जिनकी जेब ही खाली हो जाएंगी। अब आप किसान को बार बार मंडी में बुला रहे हैं, हर बार उसका पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है। आगे बुआई होने वाली है, बुआई होने के टाइम में पेट्रोल डीजल का जब आप कीमत बढ़ा देंगे तो किसान वैसे मर रहा है, मजदूर वैसे मर रहा है, आम आदमी वैसे मर रहा है, मिडिल क्लास की कोई बात नहीं कर रहा। तो इन सबको आप बजाय राहत देने के आप तो और मार रहे हैं। वसूली कहाँ से होगी? आप उसकी जेब से क्या निकालेंगे जिसकी जेब आप पहले ही खाली कर चुके हैं? मैम, मेरा एक सवाल इसी में जुड़ा हुआ है। कांग्रेस क्या ये मांग करती है कि फरवरी से लेके, जो फरवरी 2020 से लेके और इस साल का सरकार व्हाइट पेपर लेके आए कि कितना रेवेन्यू था, कितना लॉस हुआ और किस सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है? मतलब व्हाइट पेपर की मांग करते हैं लॉकडाउन पीरियड के व्हाइट पेपर के दौरान की? लॉकडाउन पीरियड के बाद में बिल्कुल सरकार को व्हाइट पेपर तो लाना चाहिए, लेकिन अभी भी अगर ये पारदर्शिता से कार्य करेंगे तो बेहतर होगा सभी के लिए एक लोकतंत्र में। बाद में व्हाइट पेपर की मांग तो ठीक है, सबको करनी चाहिए, हम भी करते हैं कि व्हाइट पेपर तो, लेकिन बाद की बात होगी। हम कह रहे हैं आज के दिन भी आप पारदर्शिता से काम कीजिए लोगों के सामने। यू ओ इट टू द पीपल ऑफ हरियाणा, दे शुड नो वेयर द मनी इज गोइंग। एंड एज रणदीप जी सेड कि जो डोनेशन भी गया है इनके पास, वो भी तो बताइए उसको आप कैसे खर्च कर रहे हैं। ऐसा ओपेक सिस्टम सरकार का ये पहली बार हम देख रहे हैं। धन्यवाद। केवी आहूजा जी हैं पंजाब के, दिल्ली से। सर रणदीप जी, जैसे आपने कहा कि भी लोग बहुत अच्छे ढंग से उनकी तरफ, ये कैबिनेट की मीटिंग की तरफ देख रहे थे, कुछ राहत आएगी, उल्टा जो हुआ। आप भी 10 साल उसमें रहे, जैसे आपने कहा कोई टैक्स वगैरह नहीं लगाया, और बीइंग सिटीजन ऑफ हरियाणा, अभी क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कैबिनेट की मीटिंग हुई तो क्या क्या राहतें आएंगी ताकि उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सके? मुझे लगता है अजय साहब इसका जवाब शैलजा जी दे चुकी, मैं फिर भी बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। नंबर एक, ये उम्मीद थी कि गेहूं का एक एक दाना खरीद की आखिरी तिथि निर्धारित हो जाएगी, यानी 30 अप्रैल तक एक स्केड्यूल बनाकर गेहूं की खरीद हो जाएगी। दूसरा,
पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। भैया जब 8 रुपया 20 पैसे लीटर आपको भारत सरकार के मुताबिक ही पेट्रोल डीजल की लागत है तो आप उसे 62 रुपया या 72-73 रुपया में क्यों बेच रहे हैं? ये उम्मीद थी कि वो चाहे पानीपत का हमारा हैंडलूम उद्योग हो, खट्टर साहब की विधानसभा में जो हमारी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इंडस्ट्री हो, वो यमुनानगर का प्लाईवुड उद्योग हो, वो अंबाला का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उद्योग हो, पूरे उत्तरी हरियाणा का चावल उद्योग हो, वो फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, बावल, गुड़गांव की इंडस्ट्री हो, एंसिलरी इंडस्ट्री हो, और वो इसी प्रकार से जो छोटे छोटे हमारे दुकानदार भाई हैं जो 40-40 दिन से दुकान बंद करे बैठे हैं, इन सबको टैक्सेस में राहत मिलेगी। इनकी तनख्वाह देने के लिए सरकार कम से कम 3 महीने का पैकेज देगी, जैसा कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मांग की है। और हरियाणा के किसान, मेहनत कश, बगैर जमीन के मालिक मजदूर को राहत मिलेगी। पर उसके विपरीत, जिसे बोलते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ना, राहत तो दी नहीं, वसूली और लूट नहीं शुरू कर दी। धन्यवाद सर। राकेश गुप्ता जी हैं सर। जी राकेश, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा सवाल शैलजा जी से है। हेलो, गो हेड भाई साहब, गो हेड। अभी क्योंकि जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं, मतलब बतौर पार्टी नेता भी, तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार आपकी मांग मानने वाली है। आप ये बताएं कि इस आलोचना से आगे जाके जो कांग्रेस का क्या कदम रहेगा। शैलजा जी आप आंसर करेंगे। Can you put the spotlight on Shailja ji? She will be answering this. We're trying that, sir. Network का issue कुछ लग रहा है, sir, नहीं होगा। बहन जी अगर आवाज सुन पा रहे हैं, थोड़ा उसे network issue है, आप अगर जवाब दे सकें। sir, उनकी तरफ से लग रहा है। Shailja ji आप आवाज सुन पा रहे हैं? शैलजा जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। राकेश भाई, शैलजा जी अभी ज्वाइन करेंगी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा की 2.5 करोड़ लोगों की आवाज बनने, उसे बुलंद करने और उसको सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। मैं नहीं मानता जैसा आपने कहा, पर मेरा ये सादर अनुरोध है, बार बार जब कांग्रेस पार्टी ने बात उठाई है, जनता कांग्रेस की आवाज के साथ जुड़ी है, तो सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। ये विश्वास करिए कि हरियाणा की जनता की आवाज बनकर, हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ड्योढ़ी के ऊपर हम खट्टर सरकार के घुटने टिकवाकर दम लेंगे और तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। धन्यवाद सर। राजन शर्मा जी न्यूज़ से। सर नमस्कार। मैडम नमस्कार। शैलजा जी आ गए हैं। जी मेरा सवाल ये है कि आप लोग जैसे भी कह रहे थे सर कि जीएसटी का ना हिस्सा ले राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार से पैसा ले, रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगा सर? क्योंकि एक रेवेन्यू जनरेशन तो जो है पर्टिकुलर पीरियड में होता ही है, चाहे वो आपका जो है टैक्सेस से आए या प्रोडक्शन होता है उद्योगों का, वो रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास? वो हेड तो खाली रहेगा ना सर? खाली तो इसलिए रह गया क्योंकि आज के दिन कोई उद्योग चल नहीं रहा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना, हर कुछ तो ठप पड़ा है और ऊपर से आप ये मार डाल रहे हैं लोगों पर। अभी तो पॉलिसी ये है रिवाइवल की, रिवाइवल की पॉलिसी सामने आना चाहिए, बजाय इसके कि जहां पर कुछ वैसे ही आमदनी जीरो हो रही है, आप लोगों से और क्या ऐंठना चाह रहे हैं? बात ये है।
कि जहां से पैसा आ सकता है आना चाहिए, केंद्र सरकार से लेना चाहिए, आप उसको तो एक्सप्लोर नहीं कर रहे, उसके बारे में तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप। जहां पर लोगों में क्षमता ही नहीं है पैसा खर्च करने की, उद्योग ठप पड़ा है, सब कुछ बंद पड़ा है, वहां से आप ज्यादा पैसा कहां से कैसे लेंगे? रेवेन्यू, आप किस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं? खाली जेबों से? कर्मचारी से आपने वैसे ले लिया पैसा, उसकी सैलरी काट ली, डीए आपने खत्म कर दिया। जी जितेंद्र राव जी सर, हिंदुस्तान टाइम्स। पर्टिकुलर टू आस्क, यू नो, यू हैव आंसर्ड ऑल द, यू नो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, but you know, as an opposition leader, the question is to both of you. Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Go ahead, please. Yeah, question is both of you. Again, you know, I'm asking what many of my colleagues have asked. You know, as a responsible opposition, you know, can you come up with some ideas or some kind of a macro plan to suggest to the government, you know, that how should, you know, they, in this moment of economic crisis and a public health crisis situation, how should they, you know, mop up resources? Because, you know, the revenue, the taxes have really gone down. You suggested one thing, that center government should pitch in, they should give some kind of a relief to the states where cases are high in number. But Haryana doesn't qualify in that category also, because there are many other states which have much, much higher number of cases. So probably will not fall even in that. How will you respond to that? Hitendra ji, there are very, very simple solutions. Firstly, we are not at the end of the financial year. We are at the beginning of the financial year. At the beginning of the financial year, if Qatar government has run out of money, then are we looking at a cascading effect taxation regime whereby instead of serving the people, this regime will continue to fleece people? A colleague of yours and our friend gave a figure of 10,000 crore according to Khattar Sahab. So they will be collecting about 2,000 crores from this measure. Do we accept that he is going to impose taxes worth 8,000 crore more? I think such kind of anti-people measures will defeat the state's war against corona. How does he get resources? Our suggestions are rather simple. Haryana is part of NCR and large portion thereof. Government of India must come ahead and hold hands at this juncture and give at least, and we have already said in the past, our chief ministers have given in writing to PM, give a 1 lakh crore package to states based on their population size, the extent of infection, as also the extent of economic pandemic. We will get a substantial share thereof. Number two, why is Qatar government not cutting its expenditure? If minus the planned schemes, minus the salaries and the pensions, if they were to cut 30% expenditure, as PM has also said, that itself would lead to a saving of close to, according to me, about 15,000 crores. Why do you have to then fleece the ordinary housewife and the farmer of money by imposing taxes? Number three, just one more line. Yeah. He should come forward and tell the people, on one side, you are imposing a ban on all employment. On the other side, 48 hours earlier, you are buying Fortuner cars for your staff selection commission people. All such wasteful expenditure must come to an end. Government must do away with all its powers of its ministers of grants, etc. If Khattar Saab was to give up 25 crore rupees of his own discretionary grant and that of his minister, that itself will be about 100 crores. Then you don't have to raise bus fares at all. So I think there are measures that government has to introduce, and we have given some suggestions. Thank you. Yeah, I have a small, you know,
supplementary kind of a question. You know, you said that, you know, since recruitments have been, you know, put on a hold for almost maybe indefinitely or for 1 year, are you suggesting that, you know, the recruitment agencies like the Public Service Commission and the Staff Selection Commissions, you know, which also count for a substantial expenditure burden on the government, should they be also put in a suspended state? Shailja ji has already answered that earlier in a press conference. I will request her to reiterate it here. Yes, thank you, Randeep ji. I had earlier, during my earlier press conference, I had already demanded that कि अगर आप नौकरियां तो दे नहीं पा रहे हैं, देना नहीं चाहते हैं, एक साल के लिए अगर उन पर रोक है, तो इन आयोगों पर भी तो आप मॉरेटोरियम लगाइए. Why are these members there? What are these members there for? Members, chairman, उनके खर्चे काहे के लिए, एक साल इतना खर्चा हरियाणा की जनता दे उनके लिए, क्या उनके लिए पैसे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं? उन पर भी रोक लगाएं आप. ये हमारी डिमांड है, हमने पहले डिमांड किया. जिस तरह से आपने जिक्र किया नोटबंदी जीएसटी से लेके और आज मार्केट फीस तक का, लगातार सत्ता की इस दौर में एक तरह से लगातार जनता पे मार पड़ रही है जी, और विपक्ष कहीं ना कहीं उस रोल में नजर नहीं आ रहा है जो उसका रोल होना चाहिए. विपक्ष का काम है सत्ता पे अंकुश लगाना. जो आपने अंधेरे की बात की है कि रात के अंधेरे में ही फैसले लिए जा रहे हैं तमाम, और रोशनी दिखाने की जिम्मेदारी आज विपक्ष पर है जी. किसानों की बात मैं करूं तो अकेले रणदीप सिंह के अलावा कोई आपकी पार्टी का नेता फील्ड में नजर नहीं आया. मैं क्या ये मान सकता हूं कि ये जो सत्ता की मार पड़ रही है और इसकी जो आप लालटेन जलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें जो जनता का तेल डला है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है? कितना आप इस बात को सही मानते हैं? ऐसा है रामचंद्र जी, हमने जैसा पहले कहा कि इस लड़ाई में हमारा पूरा सहयोग रहा. हम केवल ये नहीं कि हमने क्रिटिसाइज करना है, ये हमारा कार्य कभी नहीं होता. हमारा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, जैसा कि अभी रणदीप जी ने भी सुझाव दिए. ऑन द अदर हैंड, जो जमीन पर है, जमीनी हकीकत है, उसे कोई आंख नहीं बंद कर सकता, मूंद नहीं सकता. और कांग्रेस पार्टी ने, मैंने खुद ने और मेरे साथियों ने समय समय पर ये सारी बातें हाईलाइट की हैं, उठाई हैं. रही बात फील्ड में जाने की, उस पर थोड़ा अंकुश है. मैं खुद एक दिन प्रॉपर परमिशंस लेकर हरियाणा सरकार से मैं रोहतक गई थी. गई मैं अफसोस के लिए थी, लेकिन वापसी पर मैं खेतों में भी गई और मंडियों में भी गई, उचित दूरी रखते हुए. तो ये नहीं था कि हम बीसियों या सैकड़ों लोगों को लेकर साथ जाएं और कल को ये हो कि हमने जो नॉर्म्स हैं उनको खत्म किया हो, तो वो मैंने नहीं किया. लेकिन मैं खुद मंडियों में गई हूँ, रणदीप जी खुद मंडियों में गए हैं, हमारे और नेता भी जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जहां तक उनको परमिशन मिलती है. तो ऐसा नहीं है कि हम नीचे नहीं जा रहे. लेकिन आज के दिन जैसे सोशल मीडिया का भी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, निरंतर हम लोगों से संपर्क में हैं, हर स्टेक होल्डर से हम संपर्क में हैं, हमारे लोग जमीन पर नीचे काम कर रहे हैं. तो किसी तरह से हम कट ऑफ नहीं है और आवाज उठाने में हम पूरी अपनी ताकत से आवाज उठा रहे हैं. और मैं बल्कि धन्यवाद देना चाहूंगी अपने मीडिया के साथियों का कि आप लोगों ने भी हमारा सहयोग किया है और हम आपसे सीख रहे हैं और आप हमारी आवाज उठा रहे हैं. और इसमें मैं मौके का फायदा उठाते हुए सभी मीडिया कर्मियों का, हमारे साथियों का मैं धन्यवाद भी करती हूं. और मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि मुझे मालूम पड़ा कि कोविड टेस्ट शायद सबके हो गए हैं और सब नेगेटिव पाए गए हैं. तो ऐसी विकट परिस्थितियों में आप जहां इतनी मेहनत करते हैं, फील्ड में जा रहे हैं, इतना रिस्क उठा रहे हैं,
और उसके बावजूद आप इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको बधाई है कि आप नेगेटिव भी पाए गए। भगवान आपको ठीक रखे, स्वस्थ रखे। ये नहीं कह सकती कि घर में रहिए, क्योंकि आप काम से निकलेंगे पर आप स्वस्थ रहें, ये हम कामना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शैलजा जी और मेरी ओर से शुक्रिया, और इस पत्रकार वार्ता में जुड़ने के लिए शुक्रिया। कुमारी शैलजा जी और मैं मिलकर और हरियाणा के कांग्रेस के विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और एक एक साथी इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आपके समक्ष लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी की ओर से भी, मेरी ओर से। रणदीप जी, एक सवाल और करना चाहता था मैं, अगर आप लास्ट सवाल जवाब देना। जी सर, पूछिए जरूर। रणदीप जी, कांग्रेस ने एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते सरकार की कमियां भी उजागर की और ये भी कहा कि कोरोना के मामले में कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पे उनके साथ है। तो क्या अब तक जो कोरोना को लेके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हरियाणा में बहुत हद तक कंट्रोल किया है, रिकवरी रेट देश में सबसे अच्छा है और काफी सुविधाएं दी हैं, जो श्रमिक रुके हुए हैं दूसरों को दिया, तो क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं जो सरकार ने कोरोना को लेके अब तक जो कदम उठाए हैं या जो कदम अब तक जो रिजल्ट सामने आए हैं उसको लेके? देखिए, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश है, पर पहले दिन से मेरे ख्याल 8 या 9 बार पत्रकार वार्ता कर हम खट्टर साहब से अनुरोध कर चुके हैं, कम से कम जो विदेश से लोग आए हैं उनका तो टेस्ट करवा लीजिए। आज तक सरकार हर वो व्यक्ति जो विदेश से आया उसका टेस्ट नहीं करवा पाया। टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटीन, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये मूल मंत्र दिया था, परंतु क्या प्रांतीय सरकार इसको फॉलो कर पा रही है या प्रधानमंत्री जी की नसीहत को फॉलो कर रही है, इसमें काफी शक है। कोरोना से लड़ने वाले जो हमारे सैनिक हैं, वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पत्रकार, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, पब्लिक हेल्थ और बिजली के कर्मी, क्या उनको आपने N95 मास्क और PPE दिया है? जवाब अभी भी ना में है। क्या हमने हर शहर में COVID-19 हॉस्पिटल डेजिग्नेट कर दिया है जहां वेंटिलेटर्स इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है? अभी भी पूरे हरियाणा के लिए जवाब ना में है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश है, और यह आलोचना के तौर पर नहीं, शैलजा जी और मैं इसे सकारात्मक सुझाव के तौर पर कह रहे हैं। अब भी 3 मई को जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद संक्रमण ना बढ़े, इसका रोड मैप खट्टर साहब को, हरियाणा को पेश करना चाहिए। धन्यवाद एक बार फिर देर से शैलजा जी और मैं आप जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शैलजा जी, नमस्कार। थैंक यू रणदीप जी, सभी साथियों का धन्यवाद। Thank you.